हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल ग्रीटिंग्स टू यू सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड्स एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एट बॉडी मूवमेंट क्लास सिक्स एन ओके सो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास है बैकबोन बैकबोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बैकबोन का अदर नेम क्या था वर्टिबिल कॉलम वर्टिब्री बहुत सारी वर्टिब्री से मिलकर बना है ये ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिबल कॉलम बोलते हैं ओके okay? तो so, ये किससे दो जो वर्टिब्री होते हैं वो किससे अटैच होती हैं आपस में कार्टिलेज से अटैच होती हैं ओके एंड टोटल वर्टिब्री कितनी होती है नंबर थर्टी थ्री ये हमने ये भी हमने डिस्कस किया था तो ये हमने हो गया बैकबोन नेक्स्ट अब देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने देखा था बॉल के अंदर जॉइंट फिक्स है तो ये वाला जॉइंट कहाँ पे होता है हमारे शोल्डर एंड आर्म में एंड हमारे हिप बोन एंड थाई बोन में यहाँ पे जो जॉइंट है ये कौन सा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं ब्रिसल्स ब्रिसल्स हमने देखा था जो स्मॉल स्मॉल पैर होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्नेल में जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेज कार्टिलेज मैंने आपको बताया था बोन का एक स्ट्रक्चर uh, है जो क्या है सॉफ्ट है ओके okay? सॉफ्ट है और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उस सर्टेन बॉडी पार्ट को जैसे हमारे नोज टिप हमारे ईयर यहाँ से यहाँ पे क्या है कार्टिलेज है ओके okay? जो हमारी दो वर्टिब्री जो में, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से है कार्टिलेज की वजह से है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं कैविटी कैविटी क्या है एक हॉलो स्पेस उसे हम क्या बोलते हैं कैविटी बोलते हैं ओके नेक्स्ट है फिक्स ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट कौन से होते हैं जो मूव नहीं करते बट वहां पे ज्वाइंट्स हैं जैसे हमारे मैंने आपको बताया था स्कल स्कल हमारी तीन थ्री बोन से मिलके बना है वहां पे क्या है जॉइंट है वो बट वो फिक्स है हमारी हेड ऐसे मूव नहीं कर सकता ये कौन सा ज्वाइंट हो गया फिर फिक्स ज्वाइंट हो गया ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं गेथ ऑफ एनिमल गेथ ऑफ एनिमल क्या है बुक है किसकी एरिस्टोटल की ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास हिंग जॉइंट हिंग जॉइंट क्या होता है जहां पे मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होती है तो हमारी आर्म्स में हमारे नीज में फिंगर्स में और एंकल जो जॉइंट है ये सब क्या है हमारा हिंग जॉइंट है यहां पर ओके okay? क्योंकि इसे मूवमेंट बैक एंड फोर्थ हो रही है नेक्स्ट मसल्स मसल्स क्या है मसल्स uh, एक सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बना है जो एक्चुअली मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की हेल्प से वो बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं ओके नेक्स्ट है क्योंकि वो बॉडी के बाहर स्केलेटन था हार्ट स्ट्रक्चर है किसका बना है? का बना है और क्या है, है. तो skeleton, के बाहर skeleton, okay? pelvic pelvic, आपको बता था पेल्विक पार्क पार्ट जो होता है एब्डोमेन का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे जो भी बोन होते हैं पेल्विक बोन पेल्विक गर्डल पेल्विक बोन भी बोलते हैं उसको उसी को हम कहते हैं पेल्विक बोन्स

ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास शोल्डर बोन्स शोल्डर बोन्स हमने देखी थी जो हमारी शोल्डर की बोन्स हैं वो कितनी है फोर है टोटल टू टू ईच साइड नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन हमारी बॉडी में जो सारी बोन्स हैं उसे हम क्या कहते हैं जो मिलके काम कर रही हैं वो पूरा स्केलेटन है मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी स्केलेटन की पूरा स्कल से लेके पूरा नीचे हमारे फू फुट तक हमारी फे टोज तक जो पूरा जो जितनी भी बोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्केलेटन बोलते हैं ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रीम लाइन बॉडी मैंने आपको बताई थी जो आ, आगे और पीछे से थिन होती है और बीच से थिक होती है तो उसे हम कहते हैं कट कर सके तो इंस्पायर्ड है ताकि वो वाटर को कट कर करके आराम से बोट वाटर में मूव कर सके तो इसको इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन ओके तो ये हमने की डिस्कस कर लिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को तो एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी तो जॉइंट्स किस चीज में हेल्प करते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं तो जॉइंट्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में ओके okay, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया मूवमेंट सेकेंड देखते हैं सेकेंड हमारे पास है अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द बॉडी तो हमारा जो बोन है और कार्टिलेज है वो दोनों मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं स्केलेटन बना रहे हैं ये हमने देखा था और डैश right. ज्वाइंट तो हमने देखा था जो एल्बो है एट द एल्बो है वो ज्वाइंट है ये दोनों ये दोनों की बात हो रही है यहाँ पे ये वाली एल्बो जो, बोन और ये वाली एल्बो बोन जोन दो, बो, बो, बोन दोनों किससे जॉइंट है हिंग हमने अभी भी देखा था यहाँ पे बैक फोर्थ, था, यहाँ पे है कौन सा है? हिंग है, ओके? First, first, fourth part का देखते है हम लोग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी हो रही है मसल्स की हो रही है हमने देखा था बोन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी बोन तो हार्ड है कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मसल्स की क्या होगा बो, बोन क्या करेगी मूवमेंट शो करेगी ओके okay? ये हमने देखा था नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स तो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम सबका क्या मूवमेंट और लोकोमोशन का तरीका सेम है नहीं हमने अलग अलग एनिमल्स भी डिस्कस किए बिल्कुल सेम नहीं है फॉल्स हो गया नेक्स्ट देखते हैं द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स कार्टिलेज हार्ड है या बोन हार्ड है

तो हमारी फोराम बन जाती है नेक्स्ट देखते हैं कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन होता है ये yes, हमने देखा था आउटर स्केलेटन प्लेट्स की फॉर्म में होता है जैसे आर्मर होता है आर्मर प्लेट्स की फॉर्म में होता है बॉडी पे इन द सेम वे जो उसकी जो ऊपर जो आउटर स्केलेटन है वो प्लेट्स की फॉर्म में उसकी बॉडी पे अटैच होता है ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी में मिले और उनके बीच में स्पेस रहे और वो मूवमेंट कर पाए ओके तो ये हमने थ्रू एंड फॉल्स पे डिस्कस कर लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या है मैच द फॉलोइंग हमें क्या करना है मैचिंग करनी है ओके okay? तो मैच द फॉलोइंग में हम देखते हैं कॉलम वन एंड कॉलम टू को पहले हम डिस्कस करते हैं सो so, देखते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या है सबसे पहले लिखा है हमारे पास अपर जॉ अपर जॉ क्या है अपर जॉ इज अ इमूवेबल जॉइंट अपर जॉ तो मूव नहीं होता मैंने आपको एक बताया भी था आप ट्राई करके देखना हमारा सिर्फ लोअर जॉ जो है वो फिक्स नहीं है बाकी अपर जॉ फिक्स है हमारे स्कल से ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं तो फिश fish. फिशेस क्या है हैव फिन ऑन देयर बॉडी ओके नेक्स्ट देखते हैं हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी ये भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं रिब्स रिब्स में क्या आएगा प्रोटेक्ट द हार्ट रिब्स हमारी क्या करती हैं हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं स्नेल स्नेल क्या होगा शो वेरी स्लो मूवमेंट स्नेल जो है शो स्लो मूवमेंट शो करता है ओके okay. कॉकरोच क्रोच क्या कर सकता है एयर तो यह दोनों किसके हैं कॉकरोच के हैं राइट है. right. तो यह हमने डिस्कस कर लिया थर्ड मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन अब हम करते हैं फोर्थ एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट क्या है उसमें हमारा वॉट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो हमें बताना है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है सो so, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंग तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमसे पूछा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था एक राउंडेड एक राउंडेड स्पेस है जिसके अंदर जो अदर बोन है लॉन्ग बोन आके अटैच है ओके okay? तो राउंडेड बॉल के अंदर एक स्ट्रेट बोन आके अटैच है एंड इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस जैसे हमारी आर्म्स है हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है शोल्डर जैसे तो अटैच है आम तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है एंड इट मूव इन दी ऑल दी डायरेक्शन शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप आर दी ऑफ बॉल एंड सॉकेट ओके तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल तो मैंने आपको बताया था लोअर जॉ लोअर जॉ इज मूवेबल ओके तो ये सिंपल आंसर था नेक्स्ट देखते हैं थर्ड व्हाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड हमारी जो एल्बो है वो सिर्फ ऐसे मूव करती पर बैकवर्ड मूव क्यों नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ हमें वन डायरेक्शन मूवमेंट शो करती है बैक एंड फोर्थ तो यहाँ पे यहाँ पे फिक्स है एक्चुअली जैसी स्ट्रेट होती है आप देखो यहाँ पे जॉइंट फिक्स हो जाता है नीचे नहीं जाता तो इसीलिए जो हमारी एल्बो है वो वन डायरेक्शन मूवमेंट शो करती है दैट्स वाई वो बैकवर्ड नहीं जाती ओके okay? तो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया पूरा चैप्टर एट बॉडी मूवमेंट क्लास सिक्स का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आज आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग